उजबिल्ल मन शैतवानरजीम बसमीम अल्लाम नाजरीन न्यूज़ वन से बरक़त रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है आज पाकिस्तान में जुमतुलमबारक सोलह रमज़ानमबारक है बहुत ही अहम दिन है और जुमाबारक मोमिनों की ईद का दिन है नमाज जुमह अदा करके सब के सब मुसलमान मस्जिदों से रोज़े की हालत में गिड़गड़ा गर कर दुआ करके निकल रहे हैं और हम भी नमाज़ पढ़ के इस स्टूडियो में आपके सामने मौजूद हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि आज जो मोमिनों की ईद का दिन है माह रमज़ान मुबारक है हमारे फ़लस्तनी भाइयों की गैब से मदद फरमाए हम सब की मुश्किल को आसान फरमाए हम सब के अहल ख़ाना को सलामत रखे उम्र में इल्म में हुनर में कारोबार में रिस में बरकत याद फरमाए हम सबको बार बार मक्तुलमकमा और मदीनतमनवर की ज़्यादा तसी फरमाए बच्चों की खुशियाँ देखें अपने आने वाली नस्लों को आश मुस्तफ़ा बनाएँ अखलाक का पैकर बनाएँ हज़रत आयशा सिद्दीका, हज़रत खदीजतक़रा हज़रत फ़ातमत अल्लाह अदील्ल्ला तन्ना की सीरत पर अमल करने वाली बेटियाँ अता फ़रमाएँ और इमाम हसन हुसैन जैसे बेटे अता फरमाएँ मौतम नाजन आज भी एक बार फिर इस अज़म के साथ आपके सामने नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि आप घर बैठ कर हमारे इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुफ्फ़ हासिल कर सकें एक बार फिर आपकी खिदमत में एक खूबसूरत इंट्रो के साथ हाजिर हूँ और इंट्रो ये है कि अगर कुछ मालूम नहीं है तो खामोश रहो ये एक ऐसी सिफत है है ऐसी क्वालिटी है और ऐसा मैार है कि जो अगर समझ में आ जाए तो हम अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकते हैं ये सिफत इंसान में उस वक्त आती है जब इंसान ख़ुद को छोटा समझे मसला यह है कि हम में से हर एक गुफ्तु के दौरान बातचीत के दौरान और मुबासे के दौरान अपने दोस्तों के साथ जब बैठक हो रही होती है रिश्तेदारों के साथ जब बैठक होती है तो वो ये समझता है कि उससे जैसा या उसके जितना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं हालांकि जिस काम में आपको एक्सपीरियंस नहीं है जिस बात को करने का आपको सलीका नहीं है जिस बात के बारे में मुझे आपको इल्म नहीं है उसके बारे में खामोश रहने वाले की रिस्पेक्ट और इज्जत ज़्यादा है ये हमारे बड़े भी कह गए और सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम की सीरत और अहदीस का भी यही मजमु है मफहम है सेंट्रल आइडिया है कि बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार करो और जो कम बोलता है जो चुप रहता है वो सुखी रहता है क्योंकि जब बेजा आप बोलना शुरू कर देंगे जब आपके पास अल्फ़ाज़ नहीं होंगे जब आपके पास मालूम नहीं होंगी और आप बोलना शुरू कर देंगे तो हमेशा गलत बोलेंगे हाँ अगर जहाँ ज़रूरी है जहाँ गुफ्तू करनी है जहाँ दलाइल देने हैं जहाँ आप उस मुबाइसे में शामिल हो सकते हैं जहाँ आपके पास अलफाजों का या लफ्ज़ों का, जख, का, का जखीरा हो अल्फाज का या लफ्ज़ों का जखीरा हो वहाँ पर आप बात कर सकते हैं जहाँ आपके पास रेफरेंसेज हो आपके पास हवाले हों आपके पास, पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसिस हों सबूत हों जिस बहस में आप ख़ुद को शामिल करना या उसमें अपने आप को फिट करना समझते हों कि सही है वहाँ बात करें लेकिन जिस बात का हमें इल्म नहीं है हमें कुछ मालूम नहीं है उस पर खामोश रहना सबसे बेहतरीन आइडिया और मशवरा है इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि हम जो ग़लती करते हैं वो ज़्यादातर दीनी मामले में करते हैं आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ जो टॉक शोज़ हैं उसमें जब दीन की कोई बात छिड़ जाती है तो वो और वतरात उसमें टांग अड़ाते हैं और बात करते हैं जिनको सुरफात भी ठीक तरीके से पढ़ने नहीं आती जिनको दरूद पाक भी ठीक तरीक़े से पढ़ना नहीं आता जिनको नमाज रोज़ा हज जक़ुत वज़ू गसल पाकि नापाकि के बुनियादी मसाइल भी मालूम नहीं होते लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है तो जब आपको मालूम नहीं है तो आप खामोश रहें जो एक्सपर्ट है उसकी बात हमें समझनी चाहिए जब चार लोग बैठे हुए हैं एक डॉक्टर है एक, एक इंजीनियर है एक आलिम दीन है और एक सहाफ़ी है तो जब सहाफ़ी कोई बात कर करेगा जब वकील उस वक्त मौजूद है वकील को बात करेगा कानूनी पहलुओं पर तो हम सबको चाहिए कि हम उस वकील की बात को मानेंगे अपना इनपुट तब देंगे जब किसी मामले में हमें इल्म होगा इसी तरह जब मज़बी बात चल रही होगी शरी बात चल रही होगी दीनी बात चल रही होगी इस्लामी बात चल रही होगी तो जो स्कॉलर या दीन बैठे हैं हमें उनकी बात को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वो उनकी फील्ड है हमें नहीं मालूम इसलिए हमें खामोश रहना चाहिए अपना इनपुट दे दें लेकिन इंसिस्ट ना करें कि मेरी बात ही सही है बिल्कुल उसी तरह से जब मीडिया की बात होगी सहाफ़त की बात होगी मुल्की हालात की बात होगी रीजन के हालात की बात होगी आलमी हालात की बात होगी तो फिर हमें सहाफ़ी से पूछना पड़ेगा बिल्कुल उसी तरह से जब सेहत की बात होगी जब बीमारियों की बात होगी तो हम वकील से नहीं पूछेंगे हम वहाँ बैठे डॉक्टर की बात को बड़ा करेंगे बिल्कुल इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक कोई मामला चल रहा होगा के इलेक्ट्रिक का वापडा का कोई शॉटफॉल है बिजली का और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गुफ्तू हो रही है तो वहाँ बैठे इंजीनियर से हम बात करेंगे वहाँ ालम दीन की बात नहीं सुनेंगे सु, ना सुनने से मर आती है कि बड़ा उसकी बात को करेंगे जो इंजीनियर है अपना इनपुट देंगे ज़िद नहीं करेंगे ये अगर सलीका अगर हमें समझ में आ जाए ये क़राइन हमें समझ में आ जाए ये एक छोटा सा प्यारा सा इखलाक दायरा है ये अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर गुफ्तु में जो ओवरलैपिंग होती है जो ज़िद बहस होती है जो बेजा गुफ्तु होती है वो ख़त्म हो जाए हमारे यहाँ ये यह सबसे बड़ा मसला है कि डॉक्टर ये कहता है कि मैं उस एरिया में जाऊँ जो मेरा एरिया नहीं मैं दीन के काम में या दीन की बात में अपनी राय को मनवाऊँ दीन ये कहता है कि मैं इंजीनियरिंग के काम में जो मेरा शोबा नहीं है मैं वहाँ अपना ज़ोर दिखाऊँ मैकेनिकल इंजीनियर कहता है कि मैं वकील की कानून से मुतल जो गुफ्तगु है मैं वहाँ टांग अड़ाऊँ वहाँ इंसिस करूँ मेरी बात मानो और वकील साहब ये फरमाते हैं कि भाई आप सब के सब अपनी जगह पर हैं लेकिन डॉक्टर भी मैं हूँ आलम भी मैं हूँ इंजीनियर भी मैं हूँ और साफ़ी की तो फिर क्या बात है उनके तो जराए ज़बरदस्त होते हैं हर चीज़ में जरा होते हैं कि जराए से पता चला है कि बीमारी ये होती है ज़रा से पता चला है कि इंजीनियरिंग ये होती है जरा से पता चला है कि शर्य मसला ये होता है जरा से पता चला है कि वकालत में आइन नंबर फ़लाँ फलाई तो मिजा के मिजान में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह का मिजा हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि ये मजाक हो रहा है कि जिसकी जो फील्ड है वो उससे दायरे से बाहर निकल कर दूसरे की फील्ड में जाता है जिस चीज़ का उसे मालूम नहीं उसके बारे में वो राय नहीं करता है सरकारी दुआन सल्ला वम की हदीस का मफहूम है कि जिस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है उसके बारे में खामोशी बेहतर है दूसरा मफहूम यह है फजूल बात करने से बेहतर यह है कि खामोश रहा जाए तीसरा मफहम यह बनता है बद अखलाक़ी करने से बेहतर यह है कि खामोश रहा जाए चौथा यह है कि फ़जूल गोई यानि एक्स्ट्रा बात नहीं है कोई बात करने को तो एक्स्ट्रा बात करने से बेहतर यह है कि खामोश रहा जाए ये चारों मफायब बनते हैं सरकार दुआसल की मख्तल अदीस के अगर हम इस पर अमल कर लें तो एक चुप सोसुख यानि एक मरतबा आप चुप रह गए तो सौ मरतबा का सुख आपको मिलेगा और एक मरतबा आपने गैर ज़रूरी बात कर दी तो फिर हमेशा का पछतावा है अब आप सोचेंगे शब्बीर भाई ये क्या कह रहे हैं हमेशा का क्यों पछतावा है ये है ना पछतावा कैमरा ये सोशल मीडिया पछतावा है ना अभी मैं कोई गलत बात कह दूँ मिसाल के तौर तो पर आपको कह दूँ कि फ़जर में चार फर्ज होते हैं बात तो निकल गए मेरे मुँह से होते तो दो हैं मैंने कह दिया चार होते हैं भाई चार फर्ज होते हैं फ़जर में आपको पता ही नहीं है इशा में आठ फर्ज होते हैं अब बात तो निकल गई अब ये बात लोगों ने देख ली लाखों लोगों ने किसी ने रिकॉर्ड कर ली अब कब मैं तरदीक करूंगा वो कितने लोग सुनेंगे तो इसलिए नहीं पता तो चुप रह जाएं हमारी फील्ड में ऐसा होता है लाइव कॉल्स हम ले रहे होते हैं तो कॉलर ने कॉल वालेकुम सलाम हुजूर ये जो नाक की हड्डी तक पानी डाला जाता है गसल में ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है मैं कह दूँ मुस्तहब है हालांकि आलिम दीन साथ बैठा हुआ है आलिम दिन साथ बैठे हुए हैं मैंने उनसे पूछने की जो है ना वो कोशिश भी नहीं की जसारत ही नहीं की मैं खुद इतना बड़ा हूँ जब खुद को बड़ा समझोगे तो यही हाल होगा ग़लत मसला बया, बयान कर दिया वो लाखों लोगों ने सुन लिया अब वो सबको बता रहा है अरे अभी अभी मैंने टी वी पर लाइव अभी अभी लाइव जवाब लिया है ये देखो फिर वो दिखाएगा मोबाइल में अब आपको दो दिन बाद पता चला आपने जाके कहा कि उस दिन ऐसा हुआ था कि किलामा साहब तशरीफ़ फरमाते हैं लेकिन टेलीफोन कॉल आई तो मैंने जवाब दे दिया वो गलत हो गया था तो इसको ठीक कर लीजिए अब आपकी तस्ह को कितने लोग देखेंगे सुनेंगे तो इससे अच्छा ये नहीं था कि शब्बीर भाई आप खामोश रहते जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं था और साहब बैठे हैं आप उनसे पूछ लें तो ये नुकसान हमारी फील्ड में भी बहुत होता है हमारे कई ऐसे मेज़बान हैं जिनको मेज़बानी के आदा भी नहीं पता वो बेचारे खातीन हों या मर्द हों माजरत के साथ मेरी फील्ड के मेरे भाई बहन हैं मुझ समेत हम सब गलतियाँ करते हैं करते क्या हैं कि जब कोई कॉल आती है तो उस कॉल पर जवाब जिनसे लेना होता है जो यहाँ पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनके बजाय खुद दे देते हैं जो इंट्रो देना है जो आपको सोलो अकेले को प्रोग्राम करना है उस पर कोई मालूम नहीं होती बग़ैर देखे आप इस्टार्ट ले लेते हैं जिस चीज़ का आपको पता नहीं आपने कह दिया लोगों ने उस पर अमल कर दिया लोग आपसे मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं देखते हैं आप देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं भी देख के पढ़ता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बानी पढ़ते हैं अभी आपसे ज़बानी बात कर रहा हूँ सारी जिसमें तैयारी है जिस पर आपको इल्म है आपको लगता है कि आप कंट्रोल वो सारे लवाजमत पूरा करके बात कर सकते करें आप जिसमें आपको लगता है कि कुछ बात करूँगा और कुछ के लिए मुझे रेफरेंस देखना पड़ेगा सामने किताब रख लें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का ये भी मफूम है कि अगर नहीं जानते कुछ तो उनसे पूछो जो जानते हैं इसमें क्या शर्म है बड़े बड़े हदीस जिनको पाँच पाँच दस दस बीस बीस हज़ार अहदीस जबानी याद हैं वो आज भी अपने उसको को कर पूछते हैं कि हुजूर ये मसला समझ में नहीं आ रहा बताइए आप इसमें क्या हो गया तो हमारे यहाँ जिसको कुछ मालूम नहीं वो ख़ामा खामोश रहने के बजाय बोलना शुरू कर देता है और अगर कुछ इल्म नहीं है तो किसी इम वाले से पूछने में शर्म करता है अगर कोई वाला साथ बैठा है तो उसके बजाय ख़ुद बोल पड़ता है ये सारी खराबियाँ वो हैं जिससे एक दफ़ा चीज़ निकल गई तो निकल गई और ये जो सोशल मीडिया है व्हाट्सअप है या फेसबुक है या यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या जो भी आपके टूल्स है, हैं उस पर आपने कोई पोस्ट डाल दी उसमें कोई गलत बात डाल दी कोई गलत जुमला डाल दिया वो निकल गया तो निकल गया अब आप डिलीट कर रहे हैं आगे कहाँ डिलीट होगी वो पंद्रह बीस मिनट बहुत होते हैं हमारे यहाँ तो लोग तैयार बैठे हुए हैं अच्छा अच्छी चीज़ को तो फॉरवर्ड करने में देर लगती है गलत चीज़ फ़ौर फॉरवर्ड हो जाती है आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आलिम दीन ने एक दिन सुबह ग्यारह बजे एक पोस्ट डाली जिसमें वो रो रो कर तोबा का बयान कर रहे थे वो थी तीन मिनट की शाम तक उस पर सत्तर हज़ार लोगों ने व्यूज़ सत्तर हज़ार लोगों ने देख लिया उस वीडियो को यानी सेवेंटी थाउजेंड व्यूज़ आ गए उस पर उसी सुबह को ग्यारह बजे हमारे मुल्क की एक उछल कूद करने वाली खातून ने कोई फ़ौहश कलमात कहे शाम को सात बजे तक दो मिलियन लोगों ने व्यूज़ कर लिए थे ये हाल है हमारा तो भाई जहाँ इखलाकी कदरें इतनी गिर गई हों वहाँ बात बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी बहुत संभल के करनी है वरना ये जो सोशल मीडिया है इस पर जो लोग बैठे हुए हैं ये हमारे खानदान को भी नहीं छोड़ते, और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि जब कोई सच बात करे और खामा खा लोग उसके पीछे पड़ जाएँ तो आप उस बंदे के पीछे खड़े हों उस खातून के पीछे खड़े हों जिसके साथ ज़्यादी हो रही है उस बंदे के पीछे खड़े हों ऐसा नहीं कि मज़े ले रहे हैं सारे अच्छा यहाँ मज़े भी ले रहे होते हैं लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं देखा तो सही कैसे जलील हो रहा है पता है कि गलत हो रहा है इसके साथ तो भाई ये सब की सब चीज़ें उस वक्त होती हैं जब हम फजूल बोलते हैं लिहाजा आज बरकत रमज़ान के इस प्लेटफार्म सोलह रमजान मुबारक जुम्मत मुबारक के इब्तायी कलमात मेरे यही हैं कि अजरा करम जिस काम के बारे में हमें इल्म नहीं जिस बात का हमें इल्म नहीं इस पर खामोश रहना बेहतर है और अगर इल्म है तो फिर पूरे एतमद के साथ बात करें अगर आपको कंट्रोल है दस्तरस है आप मजीद इसको पॉलिश करें और फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाए फिर बात होगी ज़बरदस्त तरीक़े से ठीक है थीके? चलते हैं जब ब्रेक की तरफ वापस लौटेंगे तो एक नेकी में हमारा सेगमेंट है और उसमें सदा वेलफेयर फाउंडेशन के कुछ लोग इस फलाई अदारे के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे उनसे गुफ्तु करेंगे एहतियात लाजिमे में हकीीम शाह नजीर जिल्द की रंगत के बारे में आज गुफगू करेंगे खातिन के लिए बड़ी दिलचस्प इन शाह तला गुफ्तु होगी और दो टोन जो हो जाती ना जल्द की उसको एक टोन कैसे करना है इस पर हकीम शाह नज़ीर गुफ्तु करेंगे बरकत ज़िक्र मुतफ़ा में दूसरे राउंड का तीसरा दिन है बच्चों और बच्चियों के दरमियान नौजवान लड़कों और लड़कियों के माबेन नातिया मुकाबला है बज़म अकीदत मेंजरत हज, आयशा सिद्दीक़ा ऱी अल्लाह ताली का आज तस्करा करेंगे इफ्तार मजेदार में हमारे इकबालशाह बनाएँगेमामा आमलेट अल्लाह के वली में हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह तहों का तस्करा होगा और मिलकर यहाँ अफतार करेंगे बज़म अफतार में कुछ मुस्कराएँगे कुछ हंसने की बात करेंगे कुछ वक्त होगा जिसमें रोएंगे अल्लाह को याद करेंगे अपने गुनाहों को याद करेंगे मक्का और मदीना शरीफ की हाज़री के लिए तड़पेंगे तो दोनों एक खूबसूरत इम्तज़ाज के साथ हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी एक और हमारे मेहमान होंगे ई एफ यू जनरल इंश्योरेंस के लेकिन चूँकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तकाफुल इस ज़मरे में आता है और आप समझ सकते हैं आज हम तकाफुल पे बात करेंगे तो हमारे मेहमान एहतमाम अली भी हमारे साथ होंगे समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि तकाफुल के सिलसिले में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए किस तरह से हमें काम करना चाहिए क्योंकि ई एफ जो है उसकी रेटिंग ए, ए ए प्लस प्लस है और बहुत ही काबिल अतम इदारा है। हिमाया के नाम से इनकी एक प्रोडक्ट है हिमाया लफ्ज़ हिमायत से है और हिमायत का मतलब प्रोटेक्शन है तो ये प्रोटेक्शन देते हैं उम्र के मामले पर ज़िंदगी के मामले पर बच्चों के मुस्कबिल के मामले पर और वेरियस किस्म के इनकी और मजीद प्रोडक्ट्स हैं कोशिश कर रहे हैं वो कि मिलियंस ऑफ पीपल्स जो इनके साथ मिलियन कई मिलियन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं इनके ख़ानदानों को तहफ़ फराम करें उनके बच्चों को तहफ़ फराम करें तो आज जब ई एफ यू के रिप्रजेंटेटिव हमारे साथ होंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो तकाफुल से मुत लोगों को समझ में नहीं आती वो भी हम करेंगे क्योंकि एहतम साहब बहुत ही एक्सपर्ट हैं कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की है और कई लोगों को उन्होंने इस काम से मुतल सिखाया है और समझाया है आपसे मुलाकात होती है मुख्तर से वाक़े के बाद